I'm Dr. Umakant Vyas, lecturer in English, and I welcome you all in this e-learning of TTC and LRTC. Students and viewers, today I'm here with you with a video, with a lecture on zero article. But before we enter this video, students, आपको ये मैं बता देता हूँ कि हम इस विषय से जुड़े हुए दो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं. पहला वीडियो था इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन से जुड़े हुए रूल्स पर, और दूसरा वीडियो था डेफिनेट आर्टिकल डी के रूल्स पे. ये तीसरा वीडियो है, ये है जीरो आर्टिकल से जुड़े हुए रूल्स पे. अब जीरो आर्टिकल आपके इसको इसके बारे में बता देता हूं कि आर्टिकल दो ही तरीके के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. तीसरा, ये जीरो आर्टिकल एक्चुअली होता क्या है, दिस इज एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ए एन एंड डी. वो स्थितियां जिसमें किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है या हमें नहीं करना है, वो होता है जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल. हम इस लेक्चर में वो सारी परिस्थितियां देखेंगे जिसमें किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. तो इस विषय में हम अब प्रवेश करते हैं और देखते हैं हम पहला रूल. पहला रूल कहता है कि किसी भी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है. वो पहली परिस्थिति है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. अब ये भी जानने का विषय है कि नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है. शॉर्ट में आपको बता देता हूं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन और स्टेट. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, भाव या स्थिति के नाम को कहते हैं. एंड नाउन इज ऑफ फाइव टाइप्स एंड प्रॉपर नाउन इज वन ऑफ देम. प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति या जगह के इंडिविजुअल के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. आपको जैसे बताता हूं कि मैं कहता हूं आई एम डॉक्टर उमाकांत व्यास. बिफोर उमाकांत आई विल नॉट यूज एनी आर्टिकल. उमाकांत से पहले, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. एंड आई एम फ्रॉम बीकानेर, तो बीकानेर से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये एक जगह का नाम है. तो किसी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम है, वो होता है प्रॉपर नाउन और उससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. ठीक है, तो जैसे आपकी स्लाइड में ये पहला वाक्य लिखा हुआ है, रवि हैज जस्ट कम फ्रॉम हिज ऑफिस. सेकेंड सेंटेंस है, इंडिया इज ऑलवेज रेडी फॉर द हेल्प ऑफ अदर नेशंस. एंड थर्ड सेंटेंस इज, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. इन तीनों वाक्यों में जो रवि है, इंडिया है, जयपुर है, राजस्थान है, ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं. तो पहला रूल हुआ, प्रॉपर नाउन से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. लेकिन दो छोटी बातें यही इसी रूल में मैं बता देता हूं कि कुछ ऐसे विशेष जगह है, कंट्रीज है, स्टेट्स है, जिनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं. जैसे यूके, यूएसए, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, नीदरलैंड्स, पंजाब, ये जो जगह के नाम है इनसे पहले द का यूज होता है. इनके अलावा किसी तरीके के नाम, जगह के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. अब प्रॉपर नाउन से पहले भी कोई सी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाम, जो नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी क्वालिटी को शो करता है, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा. ठीक है, तो ये भी, ये रूल हम आगे डिस्कस करेंगे. तो पहला रूल हुआ, नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन. अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ. अगला रूल ये कहता है कि नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन. पांच तरीके की नाउन होती है, संज्ञा होती है, एंड दिस इज वन ऑफ देम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा, नेम ऑफ एनी इमोशन, आइडिया, स्टेट, है ना. तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आपके सामने ये जो सेंटेंसेस है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. सेकेंड सेंटेंस, करेज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स.
थर्ड सेंटेंस, चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। इन तीनों वाक्यों में देखिए कि जैसे ब्यूटी, चाइल्डहुड, करेज, ये या तो गुण है या स्थिति है, हमारी उम्र है, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहां पे भी एक छोटा सा एक्सेप्शन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे सेकंड सेंटेंस था, करेज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स, तो ये कॉमन करेज की, जनरल करेज की बात हो रही है, लेकिन मैं इसी को किसी डेफिनेट या पर्टिकुलर करेज की बात करता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि करेज ऑफ महाराणा प्रताप वॉज एक्सेप्शनल, तो द करेज ऑफ महाराणा प्रताप होगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट करेज ऑफ महाराणा प्रताप, ये डेफिनेट हो गया। तो अगर कोई भी तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे किसी रेफरेंस से डेफिनेट हो जाता है, तो उससे पहले हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, वो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। ये एक्सेप्शन था मेरे हिसाब से, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर लैंग्वेज, भाषा के नाम से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब ये हम रूल डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, भाषा से पहले अगर द लगाया जाता है तो वो द लगता है और उसका अर्थ होता है वो भाषा बोलने वाले लोग। तो अगर मैं कहता हूं द इंग्लिश, दैट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु स्पीक दैट लैंग्वेज। आप जैसे इन सेंटेंसेस में देख सकते हो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये एक भाषा का नाम था, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एंड सेकेंड सेंटेंस, आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, अब फ्रेंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना है ये, क्योंकि एक भाषा का नाम है। और भाषा का, इसी रूल को रिपीट कर देता हूं कि भाषा के नाम से पहले अगर द आर्टिकल आता है तो वो द आर्टिकल लगने के बाद में उसका अर्थ हो जाता है वो भाषा बोलने वाले लोग, प्लूरल नाउन बन जाता है वो। अब जैसे इस स्लाइड में आपको बताया गया है, एक नोट डाल करके बताया है, जिसमें लिखा हुआ है द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज। इसको समझ लीजिए, सेंटेंस में सेंटेंस ही कहता है द फ्रेंच लैंग्वेज इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। यहां पे अगर सिर्फ फ्रेंच होता तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का नाम आ गया और उसके बाद में लैंग्वेज लिखा हुआ है तो द का प्रयोग होगा। द फ्रेंच लैंग्वेज इज अ डिफिकल्ट, इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। तो भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, या तो माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं जिसको, वो आएगा, या जिसको मेजर भी नहीं कर सकते तो वो इसमें आता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे आप इस सेंटेंसेस में देख सकते हो, सेंटेंस है मिल्क इज माई फेवरेट ड्रिंक, एंड सेकेंड सेंटेंस इज मनी इज द कॉज ऑफ मैनी एविल्स। इस दोनों वाक्यों में देखिए, मिल्क और मनी दोनों अनकाउंटेबल है, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो, एक एक्सेप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये मिल्क जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये मिल्क किसी हमारे रेफरेंस से डेफिनेट हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं द मिल्क इन दिस ग्लास इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, इस ग्लास में जो मिल्क है वो पीने के लायक नहीं है, तो मैं किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात करता हूं, तो यहां पे द मिल्क लगेगा। उसी तरीके से मैं कहता हूं द वॉटर ऑफ दिस पिचर इज कंटेमिनेटेड, इस घड़े में जो पानी है वो प्रदूषित है, ठीक है। तो मैं किसी विशेष पानी या विशेष दूध की बात करता हूं अपने रेफरेंस से, तो वो हो जाता है डेफिनेट, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। अदरवाइज देर विल बी नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अगला नियम है वो कहता है, इसमें मैंने क्या किया है कि रूल्स को एक स्लाइड में ही दो तीन रूल्स बता दिए हैं। और जैसे आप देखिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, फेस्टिवल्स, मील्स, इनके नाम से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल है ना, गोल्फ, इससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
सेकंड जैसे फेस्टिवल्स हो गया, फेस्टिवल्स में आप जैसे दिवाली कह दिया, होली कह दिया, क्रिसमस कह दिया, इनके नाम से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और थर्ड हो गया मील्स, अगर आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट इनके नाम से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे विद माई फ्रेंड्स, तो क्रिकेट जो है इससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस है वी सेलिब्रेटेड दिवाली विद आर नेबर्स, तो दिवाली से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। और थर्ड जो सेंटेंस है वो कहता है जैसे शी टेक्स डिनर विद हर मदर, तो डिनर एक कॉमन सेंस में यूज हुआ है तो किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना। यहां पर फिर एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि इन सारे रूल्स में हमारा कोई भी रेफरेंस हम देते हैं और उससे उस नाउन को हम डेफिनेट कर देते हैं, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब जैसे मैं कहता हूं द क्रिकेट ऑफ सचिन इज फैबुलस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर क्रिकेट गेम ऑफ सचिन, सचिन का जो गेम था क्रिकेट वो वास्तव में बहुत ही अच्छा था, तो वहां पर्टिकुलर सेंस में हो गया, तो वो पर्टिकुलर होते ही डेफिनेट आर्टिकल आया। अब जैसे मैं कहता हूं दिवाली की बात करता हूं, द दिवाली आई सेलिब्रेटेड विद माई कजिन्स लास्ट ईयर वॉज रियली वेरी फुल ऑफ एंजॉयमेंट, तो किसी विशेष दिवाली की बात हो गई। इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर डिनर की बात करता हूं, ये हम पहले एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं कहता हूं आई स्टिल रिमेंबर द डिनर आई टुक विद ऐश्वर्या राय, मुझे आज भी वो डिनर याद है जो मैंने ऐश्वर्या राय के साथ में लिया। तो हुआ क्या कि ये जो वर्ड्स है, ये नाउन है, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, प्रोवाइडेड यू मेक सम रेफरेंस एंड मेक इट डेफिनेट, तो उस स्थिति में द का प्रयोग जरूर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला रूल ये कहता है कि डिजीज के नाम हो गए, डेज हो गए, मंथ्स हो गए, और सीजन्स के नाम हो गए, या फिर फैमिली रिलेशंस हो गए, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूं टाइफाइड, डायबिटीज, समर, विंटर, ऑटम, फेब्रुअरी, जुलाई, सितंबर, मदर, फादर, ये जो एग्जांपल्स है इनको आपको ध्यान में रखना है, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और कुछ विशेष ऐसे इसमें एक्सेप्शन देख सकते हैं, बीमारी में जैसे आप कह सकते हो मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, फ्लू हो गया, ये इनसे पहले आप द का प्रयोग करते हैं, ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एनी डिजीज। डेज और सीजन्स की भी बात है, अगर आप किसी पर्टिकुलर सीजन की बात करोगे द का यूज होगा, आप किसी पर्टिकुलर मंथ की बात करते हो द का प्रयोग होगा। जैसे मैं कहता हूं द अगस्त ऑफ 1947 वॉज अ रेड लेटर डे, और फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, तो पर्टिकुलर उस मंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो वो रेफरेंस हो गया, रेफरेंस होते ही वो डेफिनेट हो गया और डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया। अब जैसे आप इन सेंटेंसेस को देखिए, एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस है ही सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, सेकेंड सेंटेंस आई विजिटेड हिज हाउस ऑन मंडे, थर्ड सेंटेंस शी वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, फोर्थ सेंटेंस फादर विल रिटर्न विद मदर। अब इन चारों सेंटेंसेस में बीमारी का नाम, महीने का नाम, दिन का नाम, या फिर रिलेशंस हो गया उसके नाम आते हैं, तो इससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है हमें। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगले रूल में आप जैसे देखिए इस स्लाइड में, यूनिवर्सिटी के नाम से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और सब्जेक्ट किसी भी विषय के नाम से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो अगर आपने इस तरीके से बात बोली है, आप जैसे इन सेंटेंसेस में देख सकते हो ही स्टडीज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकंड सेंटेंस माई शर्मा, मिस्टर शर्मा टीचेस फिजिक्स, तो फिजिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। लेकिन मैं कहता हूं ही स्टडीज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उससे पहले द लगेगा। और इसी तरीके से विषय में भी अगर मैं कहता हूं द फिजिक्स ऑफ माई टीचर इज रियली वर्थ यू नो फुल ऑफ नॉलेज,
तो इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर विषय की बात करता हूं, किसी व्यक्ति के उस विषय के ज्ञान की बात करता हूं, तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। अदरवाइज बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, बिफोर द नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, देर विल बी नो यूज ऑफ आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, लेट्स मूव। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन एक ब्रॉड सेंस में अगर यूज किया गया है तो मैन कहा गया है तो पूरे मान जैसे पुरुषों के लिए कहा गया है, वुमन कहा है तो सभी महिलाओं के लिए अगर कहा गया है ब्रॉड सेंस में, तो किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आई मेट अ मैन, है ना, मैं एक आदमी से मिला, या द मैन इन दैट पार्टी, तो वहां पे हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो यूज हो सकता है। अदरवाइज इन अ ब्रॉड सेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, वुमन, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी, वी विल नेवर यूज एनी आर्टिकल। आप जैसे इस सेंटेंसेस में देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है मैन इज मॉर्टल, सेकेंड सेंटेंस है वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर मैनकाइंड। तो दोनों वर्न और मैनकाइंड, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में जैसे आप देख सकते हैं कन्वेंस बताते हैं बाय कार, बाय सी, बाय एयर, बाय बस, और सेकेंड रूल है डेस्टिनेशन विद वर्ब गो। आप जैसे सेंटेंस पहले देख लीजिए, ही हैज अराइव्ड हेयर बाय एयर, ही हैज अराइव्ड हेयर बाय एयर, और सेकेंड सेंटेंस है माई ब्रदर गोज टू जिम एवरी डे। अब आपको मैं इस रूल को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो कन्वेंस बताते हैं बाय एयर, बाय बस, बाय सी, बाय लैंड, है ना, बाय कार, तो बाय के बाद में ये जो कन्वेंस बता रहे हैं, इनसे पहले ट्रांसपोर्टेशन है, इससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सेकेंड है ये रूल हम डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन और उसमें भी हमने यही देखा था कि किसी भी डेस्टिनेशन वर्ब गो के साथ में डेस्टिनेशन की बात होती है तो किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर कर दिया जाता है तो इसका मतलब आप उस डेस्टिनेशन पे यूजुअल पर्पज के लिए नहीं जा रहे। अगर यूजुअल पर्पज के लिए जाते हैं तो किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं माई ब्रदर गोज टू जिम एवरी डे, तो ये यूजुअल पर्पज हुआ एक्सरसाइज के लिए, तो इससे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और आई जैसे सेंटेंस ये था ही हैज अराइव्ड हेयर बाय एयर, तो एयर से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंसेज मेड मेड अप ऑफ इलेक्ट, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, डिक्लेयर। ये जो वर्ब्स है, इन वर्ब्स के साथ में अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे रखा है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे आप इस सेंटेंस देखिए, दोनों सेंटेंस में ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन, ये यहां पर चेयरमैन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और सेकेंड है वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यहां पे प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दोनों कंडीशन में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर ये इस तरीके से आते हैं इन वर्ब्स के साथ में, तो इनसे पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। ये जो रूल है ये कहता है कि इन फ्रेजेस के साथ में हमें किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये जैसे एट हैंड, एट फॉल्ट, ऑन ड्यूटी, ऑन फूट, एट वॉर, बाय हार्ट, बाय मिस्टेक, बाय चांस, एट वर्क, इन लव, एट रिस्क, ऐसी बहुत सी आपको फ्रेजेस मिल जाएगी। इन फ्रेजेस में आपको किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे मैं कहता हूं वी आर एट वॉर विद कोरोना वायरस, एट वॉर, है ना, तो हमें यहां पर किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है द एग्जाम्स आर एट हैंड, सेकेंड यू लर्न ऑल दीज रूल्स बाय हार्ट, थर्ड सेंटेंस शी इज एट वर्क राइट नाउ। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एट हैंड मतलब बहुत ही नजदीक है। मैं कहता हूं बाय हार्ट मतलब आप इन सारे नियमों को बाय हार्ट कंटस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और थर्ड सेंटेंस जो था वो था एट वर्क, है ना, आई एम एट वर्क, मैं कोई काम कर रहा हूं, तो आई एम एट वर्क राइट नाउ। तो
इन सिचुएशंस में, इन फ्रेजेस में किसी तरीके के आर्टिकल का यहां पे यूज नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव। यहां तक जो हमने पढ़ा है वो कुछ रूल्स थे, कुछ सिचुएशंस थी जहां पे हमें किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। उसमें हर एक रूल के साथ में मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताया है। उन एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप कर सकते हो आर्टिकल का प्रयोग, अदरवाइज यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल इन सच सिचुएशंस। तो यहां तक इस विषय को हम पढ़ चुके हैं और ये विषय लगभग पूरा हो चुका है। इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। अब मैं आपके सामने, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में, कुछ एक्सरसाइज है। यहां पे जहां कहीं पे भी आपको लगता है कि आर्टिकल की जरूरत है वहां पे आप आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके का आर्टिकल नहीं होगा इस विषय को पढ़ने के बाद में, यू आर नाउ इन पोजिशन टू डिटरमाइन वेदर यू विल यूज एनी आर्टिकल हेयर और नॉट। तो वहां पे जीरो आर्टिकल क्रॉस लगाना है आपको। तो इन जितने भी वाक्य आपके सामने हैं इनको पढ़िए। इस वीडियो के साथ में उन दो वीडियो को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कि आपका क्या नॉलेज है। इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद में एक एक करके आप आंसर नोट कीजिए। नोट करने के बाद में आप जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ाएंगे आपके सामने इसके आंसर्स होंगे। इसके आंसर्स भी आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों वीडियोस पढ़ लेने के बाद में यू आर नाउ इन पोजिशन टू गेट द राइट आंसर्स, और ये आपके आंसर्स आपके सामने हैं। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंसेस में बता देता हूं, आई हैड ब्लैंक डिनर लेट लास्ट नाइट। तो यहां पे डिनर से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना था। समझा देता हूं इसको मैं। अगर ये एक जनरल डिनर की बात हो रही है तो मील से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर सही आंसर होता है जीरो आर्टिकल, क्रॉस लगाना है आपको। इसका मतलब किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे आंसर्स दे चुके हैं, आपको सही आंसर्स मिल चुके हैं। तो इसी विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। विषय को खत्म करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितनी भी क्वेरीज है इस विषय से जुड़े हुए, कुछ रूल्स भी अगर छूट गए हैं तो आप चर्चा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, अपनी ओपिनियन भेज सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आगे पहुंचे और विद्यार्थियों को इससे फायदा हो। तो क्योंकि हमारा पर्पज है एजुकेशन फॉर ऑल, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष के लिए नहीं है, किसी स्थान विशेष के लिए नहीं है। ये जो लर्निंग है ये कॉमन सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।